पृथ्वी को निकाल के बाहर किया है। ब्रह्मा जी को आदेश किया कि पृथ्वी आ गई है, अब आप बनाओ। तो ब्रह्मा ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष बनाया, उसका नाम रखा मनु, मनु महाराज, और बाम अंग से एक स्त्री प्रकट किया, उसका नाम रखा शत्रुपा। दोनों का विवाह कर दिया और दोनों को इस ब्रह्मांड का प्रथम मानव बना करके और पहला राजा बना दिया। इसको संभालो, विस्तार करो इसका। तो मनु महाराज के 5 संतानें हुई, शत्रुपा और मनु के संबंध से 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रों में उत्तानपाद और प्रियव्रत दो बेटे हुए, और 3 पुत्रियां हुई, आकूति, प्रसूति और देहूति। अब जरा आप अनुपात देखिए, 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। हाँ, आजकल के माता पिता क्या कर रहे हैं, लड़के अधिक चाहते हैं, लड़कियां कम चाहते हैं, है ना? यही चाहते हैं कि 2 भैया हो, 1 बिटिया हो तो ठीक है ना? लेकिन पहले का अनुपात देखिए, 3 बेटियां और 2 बेटा, लड़की अधिक लड़के कम, ये पहले का अनुपात था। आजकल लड़के अधिक लड़कियां कम। मैं भी एक अखबार पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, उसमें लिखा था 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां बची हैं, केवल 60 लड़कियां कम पड़ रही हैं 1000 बच्चों पर। अब जो 1000 वो 40-60 कम पड़ी हैं, ये कहाँ से आएंगी, कौन पूरा करेगा उनको, उनकी जोड़ी कैसे बनेगी? जो 60 बचे हुए कहाँ जाएंगे फिर? सोचिए, ये अनुपात किसने कम किया है? हमने आपने। परमात्मा 50-50 भेजता है ऊपर से, हर लड़की के लिए एक लड़का, हर लड़के को लड़की भेजता है परमात्मा। हम लोग उनको जबरदस्ती पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं, फिर देखिए अंजाम आगे क्या होगा, राम जानते हैं। अब जो बचेंगे वे कुंवारे 60 लोग, क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे वो, फिर खुराफात करेंगे संसार में। इसलिए परमात्मा के विधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्यार 3 बच्चियां हुई, 2 बच्चे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, आकूति, प्रसूति, देहूति। आकूति का विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति के साथ, रुचि। प्रसूति में यह ब्याही गई दक्ष जी को, दक्ष प्रजापति को, और सती मैया की माँ बनी है, सती इसी की कन्या थी, शंकर जी की पत्नी बनी, और फिर कुछ निपट नहीं पाया तो पिता के यज्ञ में गई, वहाँ भस्म हो गई, फिर पार्वती का रूप धारण किया बाद में, फिर बाबा को ब्याही गई। तब से आज तक वो जोड़ी बरकरार है। प्रसूति की कन्या थी सती। आकूति के यहाँ भगवान यज्ञ का अवतार हुआ, यज्ञ भगवान का अवतार, और जो छोटी लड़की थी मनु महाराज की, देहूति, वो करदम नाम के ऋषि को ब्याही गई थी, और करदम और देहूति के यहाँ भगवान विष्णु का अवतार हुआ। उस अवतार का नाम था कपिल अवतार, कपिल जो गंगा सागर के महात्मा है ना, गंगा सागर के देवता, वो कपिल मुनि ये करदम और देहूति के पुत्र थे। कपिल माने होता है ज्ञान, बहुत ध्यान देकर सुनना, कपिल का अर्थ ज्ञान होता है, और ज्ञान को प्रकट करना है तो करदम बनना पड़ता है। जो अपने जीवन में करदम बन पाएगा उसी के यहाँ ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान किताबों से नहीं आता है प्यारे, और किताबों से अगर आ भी जाएगा तो जैसे बैल होता है ना वैसे आएगा बस। एक शायर कहता है ना कि कोई आदमी खाली किताबें लाते घूम रहा हो और उसके जीवन में ज्ञान प्रकट न हुआ हो तो खाली गधा है बस, वो जो गधा ढोता है माटी उसे ढो रहा है बस। कई कई लोग होते हैं पूरा पुस्तकालय पढ़ डालते हैं, पूरा पुस्तकालय बांच के फेंक देते हैं, बैठेंगे कुर्सी एक दिन में 50 किताबें पढ़ा लेंगे और बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन क्या वो ज्ञान है? नहीं। ज्ञान तो उसी कहते हैं जो अंदर उतरा हुआ ज्ञान हो, प्रकट हुआ ज्ञान, वही कपिल है, और वो तभी आएगा जब आप करदम बनोगे। करदम मीन्स करे दमा, कर दम इज इक्वल टू करदम। कर माने करने वाला, और दम मीन्स इंद्रियों पर कंट्रोल। दम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। जिसके जीवन में इंद्रिय निग्रह है, जो इंद्रियों पर संयम करना जानता है, उसी के यहां कपिल का अवतार होता है। कपिल को पाना है तो इंद्रियों पर कंट्रोल करो। कंट्रोल मतलब क्या होता है? गलत जगह जाने से इनको वापस कर लाओ। आंख कहीं गलत जगह जा रही हो उसको वापस लाओ, कान कहीं गलत चीज सुनना चाहते हो उसको वापस कर लाओ, यही दम कहलाता है। इंद्रियों को दीक्षा दो, गुरु बन जाओ इनकी आंखों कानों के अपने। आपको दीक्षा चाहे कोई दे, इनको दीक्षा आपको देना पड़ेगा, और इनकी दिशा जो सुधार दे यही दीक्षा। दीक्षा माने क्या होता है? सुधरी हुई दिशा, यही दीक्षा कहलाती है। खाली कंठी, खाली कन फुक्कन नहीं, दिशा हमारी सुधर जाए
जो गलत दिशा में हम जा रहे थे हम सही दिशा में चल पड़े, उसका नाम दीक्षा होता है। इंद्रियों को गलत जगह जाने रोक लो, यही दम है। ये दम जो कर ले वही करदम है, और ऐसे करदम के यहाँ कपिल का अवतार होता है, ज्ञान का अवतार होता है। कपिल भगवान का अवतार हुआ, करदम ने संन्यास ले लिया, तब माता देहूति ने कपिल भगवान से एक सवाल पूछा है। ये आखिरी प्रसंग आज का है, दो तीन मिनट में ध्यान देकर सुनेगा। माता देहूति ने पूछा, बेटा तुम सारे संसार को ज्ञान देने के लिए आए हो, पूरे जगत को ज्ञान देने के लिए पधारे हो आप, पहले अपनी माता को ज्ञान दो, मेरा एक सवाल है उसका उत्तर दे दो, तुम्हें कल्याण मेरा हो जाए। क्या सवाल है माता जी? तो माता देहूति ने पूछा, बेटा संसार के सारे प्राणी सुख पाना चाहते हैं, संसार का हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति दुखी है, तो मुझे बताओ कि सुख कहां मिलता है? सब सुखी होना चाहते हैं, इसमें से पंडाल पूछो कोई दुखी होना चाहता है? सब सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन सब दुखे हैं। छाती में हाथ धर के देखो, अल्ट्रासाउंड करा के देखो सबका, सब दुखे दुखी भरे पड़े। एक भी आदमी संसार में शायद सुखी मिल जाए, शायद उस शायद में बोल रहा हूं, कोई दुखी है कि पैसा नहीं है पेड़ा कैसे खाएं, और कोई दुखी है कि पैसा तो बा लेकिन शुगर है पेड़ा कैसे खाएं, कोई दुखी है कि शादी नहीं हो रही है, और कोई दुखी है सदिया काहे हो गई, कोई दुखी है बच्चे नहीं हो रहे हैं, और कोई दुखी है बच्चे क्यों हो गए, बच्चे काहे हो गए हमारे, कोई दुखी है ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और कोई दुखी है ट्रांसफर क्यों हो गया। नानक दुखिया सब संसारा, सब संसार हो गया। तो थोड़ी कथा बची है यार, दो मिनट कहे परेशान, हम जानते हैं टाइम थोड़ा तो बढ़ता ही कभी कभी, इंची टेप लेकर थोड़ा बैठे हैं कि नाप की कथा कहें, उनका प्रसंग है, चल रहा है, चल रहा है, रिकॉर्ड करते रहो, देखा जाएगा। मैं कहा था भैया, हाँ दुखिया, हाँ सब संसार है, सुख पाना तो चाहता है प्राणी लेकिन सुख कहां मिलता है, पता बताओ सुख का। तो भगवान कपिल ने इस अध्याय के अंतिम पन्ने पर दो पते बताए, और मेरी बात ध्यान देकर सुनिएगा, दो ठिकाने हैं सुखी होने के, सुखी होना अगर चाहते ही हो रियल में, इन दो पतों पर खोज कीजिएगा, और कहीं जाके देखो कहीं कुछ नहीं है, सुख तो खाली यही दो जगह मिलता है। कौन कौन? नंबर एक भागवत का विषय है, ये कपिल भगवान का हुआ विषय है। पहला स्थान है सत्संग। सत्संग में जाने पर तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग में जो आनंद है प्यारे, वो वैकुंठों में नहीं है, वो स्वर्गों में नहीं, और न होता ये, न मिलता होता तो आप आते ही नहीं प्यारे, इतना बिजी टाइम इंसान का है, आप आते नहीं। कल जो लोग आए थे उनसे डबल आ जाए, है ना, उनसे दूनी संख्या आ जाए, और जो संख्या आज उसकी दूनी कल होगी, उसकी दूनी परसों होगी। न मिलता होता कुछ इस पंडाल में तो क्यों आते आप, क्यों आते? सोफा सेट पे बैठ करके चाय पी रहे होते, सामने टीवी चल रहा होता, बालिका वधू चल रहा होता, हाँ? अब यहां क्यों आए हो? कल के दूने क्यों आए हो आज? आज के दूने कल क्यों आओगे? कल के दूने परसों आओगे क्यों? घर से फालतू हो क्या? घर से भगाए गए हो क्या? कुछ पातिन होते तो क्यों आते आप यहां पर? कोई मजबूरी है आपकी? बैकुंठ में भी नहीं मिलता है जो यहां मिलता है। लंकनी ने कहा है रामायण में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तो तौल के देख लो, एक सेकंड का सत्संग और बैकुंठ का सुख उससे भारी पड़ेगा सत्संग का सुख। मिलता है कोई तभी इंसान आता है, हेबे न करे कोई फालतू है क्या आजकल, इतना बिजी लाइफ इंसान की। तो सत्संग पहला स्थान है, और दूसरा स्थान है भगवान की भक्ति। परमात्मा की भक्ति जो करता है, भगवान के चरणों में जो प्रेम करता है, वो सुखी जीवन जीता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ के रखो, संसार के सारे संबंध दुखदाई हैं। न मानो आप कोई संबंध, याद करो, मन में याद करो, संसार का प्रत्येक संबंध परिणाम में दुखदाई है, और परमात्मा का संबंध परिणाम में सुखदाई है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही।
करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसके रजा में रजा मंद है, जो उसके रजा में रजा मंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। माता देहूती को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराई, माता देहूति उद्धार हो गया उसका, भगवान कपिल चले गए गंगा सागर में, वहाँ उनका आश्रम बना हुआ है, आज भी वहाँ दर्शन मिलता है उनका, मकर संक्रांति को ऐसा मान्यता है। और इसके बाद फिर मनु महाराज के दोनों बच्चों का इतिहास आएगा, ध्रुव भैया की कथा, जड़ भरत का पावन प्रसंग और प्रहलाद जी का चरित्र, ये हम लोग कथाएँ कल सुनेंगे। पूरी भागवत का जो समरी है भरत चरित्र, वो कल सुनाया जाएगा 1 बजे से 5 बजे के मध्य में। आइए आज की सभा का यहीं विराम करूँ, उससे पूर्व 1-2 मिनट और प्रभु का नाम हो जाए, भगवान का थोड़ा सा भजन हो जाए। ना हो तो दीजिए, तालियों के साथ प्यारे प्यारे, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, मिल ही गया जब कृष्ण कन्हैया मानो रे जत क्या मांगे, मिल ही गया जब कृष्ण कन्हैया मानो रे जत क्या मांगे, मेरे जीवन में अब कर दे, ओ मेरे जीवन में अब कर दे ओ कृपा की बरसात, देना हो तो दे रख दे बाबा, ओ मेरे सिर पर रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का धूली धन दौलत से बढ़कर है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से बढ़कर है, एक नजर कृपा की बाबा मान जत से बढ़कर है, एक नजर कृपा की बाबा मान जत से बढ़कर है, मेरे दिल की यही तमन्ना, ओ मेरे दिल की यही तमन्ना तेरी सेवा करूं दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, मेरे सिर पर रख बनवारी, हाँ मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, चाहे जैसे रख बनवारी हो, चाहे जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार।
बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे हो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय विश्वनाथ भगवान की जय। अब आज की आरती होगी। आरती से पूर्व कुछ प्रक्रियाएं एक दौर होती हैं। मान लेते हैं करुणावतारम संसार सदाबसंतम हृदयारविंदे सदाबसंतम हृदयारविंदे भवमो भवामि सहितम नमामि नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंद वो आनंद कंद मिटत दुख बंद निरख मुख की उजियारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंध कांत काली राधिका चमक रही आली रतन में ठाढ़े बन माली भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक मय मोर मुकुट बिरसे देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन राश बरसे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग मालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष कलहारिन श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव शेष जटा के बीच हरे अघ के चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहो दिस गोपी ग्वाल देणु हसत मधुमंद चांदनी चंद कटत भव पंद फेर सुनि दीन बिदारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा का द्वितीय दिवस विराम ले रहा है। कल मिलेंगे जब इसी पंडाल में।